क्या कर रहे बेटा? कुछ नहीं माँ, बस एक मेल आया था ऑफिस का, वो चेक कर रहा था। तेरे पापा का फोन आया था क्या? हाँ पापा को फोन आया था, वो रात को आया था। लेकिन अच्छा, अब रात में मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर सकता ना माँ। सॉरी, लेकिन मेरी गलती यही है कि मैं आपको बताना भूल गया। हाँ तू तो हर चीज भूल जाता है, इतना नादान मत बना कर तू। अरे माँ आप इतना रूडली बिहेव क्यों कर रही है मेरे साथ? तो और क्या करूं, एक तो मेरे पास फोन नहीं है, तेरे पापा से बात भी नहीं कर पाती। तो हमारी माँ को ना हमारे पापा की याद आ रही है, यही कहना चाहती है ना? हाँ यही कहना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, तो टेंशन मत लो, मैं ना पापा को अभी कॉल लगा देता हूँ, आप ना बात कर ही लो, है ना? हाँ ठीक। ओफो, मुझे लगता है पापा किसी मीटिंग में बिजी हैं, इस वजह से ना पापा ने फोन, मतलब पापा का फोन नहीं लग रहा। अब टेंशन मत लो, मैं ना आपको एक पर्सनली फोन लाके दे देता हूँ। तू क्या लाके देगा, मैं खुद ही नहीं खरीद लूंगी, पर क्या करूं मुझे चलाना नहीं आता ना। फोन भी चाहिए आपको और चलाना भी नहीं आता। अच्छा ठीक है माँ, मैं ना थोड़ा अपने यार दोस्तों के पास जा रहा हूँ, तो आता हूँ शाम तक। हाँ तो जा ना, मुझसे क्या पूछ रहा है, अपनी बीवी से पूछ जाके। क्यों, अरे बीवी से क्यों पूछू, मैं तो आपसे पूछूंगा ना। नहीं अपनी बीवी से पूछ, मुझे छोड़ दे। ठीक है जा ना। अरे गुस्सा क्यों हो रही है, तू जाके अपना काम कर, ठीक है? तेरे पापा को फोन आएगा ना? हाँ बता दियो। माँ आप भी ना, चल मैं ऐसे करता हूँ दोस्तों के पास चलता हूँ। अरे किधर, कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ, जा कहाँ रहे हो बिना पूछे और बिना मिले? अरे अपने यार दोस्तों के पास जा रहा था, क्या काम है तुम्हें? बताया भी नहीं। अब तुम्हें इनसे ये चीज भी पूछनी पड़ेगी क्या मुझे? अच्छा ठीक है मत पूछो, वैसे जब बाहर जा रहे हो ना तो कुछ खाने के लिए लेकर आना। अच्छा ठीक है, क्या खाना है बताओ? कुछ भी अपनी मर्जी से ले आना। चलो ठीक है, मैं फ्रूट्स लेता आऊंगा। जी ठीक है। ठीक है कब तक आओगे? शाम तक आ जाऊंगा, इतनी टेंशन मत लिया करो मेरी। जी समझी, ठीक है। चलो ये तो गए, वैसे मेरी सास कहाँ है, सुबह से दिखाई नहीं दे रही, कहीं ऐसा तो नहीं उसी ने मेरे पति को कोई ना कोई पट्टी पढ़ाई है। चलो चल के देखते हो मैडम है कहाँ। खुशबू आ रही है। अरे ये क्या कर रहे हो? क्या कर रही हो? संतरा खा रही हूँ। तो ना नजर मत लगा मेरे खाने पर, खुद तो खा खा के इतनी मोटी हो रही है, अब मुझे बोल रही तुम क्यों खा रही हो? मोटी? और क्या? मैं? शायद आंखों में धूल जम गई है, मोटी मैं नहीं आप हो गई है मोटी। हाँ। कितना खाती हो आजकल? मैं मोटी कितनी सूख गई हूँ, मैं बिल्कुल सूख के ऐसी हो गई हूँ, और ये कह रही है मैं मोटी हो रही हूँ, आने दे मेरे बेटे को बताती हूँ, मुझे कहती है मोटी हो रही हूँ, नजर लगाती रहती है मेरे खाने के ऊपर। अरे ऐसा कुछ नहीं है, आप जाइए अपने रूम में आराम से बैठ के खाइए, जितना खाना है आप जाइए अब अपने रूम में और जाके खा लीजिए कुछ ना कुछ। हाँ मैं तो खा लूंगी, और तूने कल क्या किया था, सारा पनीर खा के बैठ गई, सिर्फ रायता ही छोड़ा मेरे लिए। वो इतना टेस्टी जो बना था तो किसी के मुंह में पानी आ जाता, और वैसे भी कल आपने भी तो दही बड़े चुपचाप से खा लिए थे फ्रिज में से निकाल के, और उसका रस मेरे लिए छोड़ दिया था। मेरे को तो मौसम खोया था। कम से कम 5-6 पीस तो उसमें, सब खड़प गई। अरे कभी सोचा मेरे लिए? क्या सोचू तेरे लिए मैं, तू सोचती है मेरे लिए? अरे आप सास हो मेरी, सास माँ के समान होती है। माँ समान होती है,
पुराने जमाने की बात है, चल सड़क रास्ता है, मुझे जाने दे। अरे खैर, इनको तो बच्चा जैसा दिमाग रहेगा ही रहेगा। एक काम करती हूँ, किचन में चल के देख लेती हूँ कुछ छोड़ा है मेरे लिए या फिर नहीं, खुद ही देख लेती हूँ, देखूं खाने के लिए क्या छोड़ा है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, सब खाली पड़ा है, खाली बर्तन छोड़ दिए मेरे लिए धोने के लिए वो भी। यानी कैसी सास है, ऐसी सास होने से अच्छा है कि ऐसी सास ना हो। इसमें देखते हो एक बार छोटे फ्रिज में रखा क्या है, वाह, पीने के लिए सिर्फ ये स्टिंग और पानी की बॉटल। गलत घर में आ गई मैं, अरे इस घर में तो घुटन होती है मुझे, घुटन, मेरी पसंद की चीजें मिलती ही नहीं है मुझे। आने तो आज मेरे पति को, आज सारी पोल पट्टी खोल दूंगी इस बुढ़ेलों की, सब खा जाती है कुछ नहीं छोड़ती। वैसे भी मैंने तो अपने पति से मंगा ही लिया खाने के लिए, और आज कह दूंगी साफ साफ अपने पति से मुझे इस घर में और नहीं रहना, मुझे मेरे मायके छोड़ दो। कम से कम वहां पे अपनी मनपसंद चीजें खा तो लेती हूँ, कुछ भी नहीं मिला खाने को। आ गए आप? हाँ। इसे ये दो दो थैले क्यों? दो दो थैले? हाँ। अरे ये तुम्हारे लिए, ये माँ के लिए। अच्छा, अपनी माँ के लिए भी लेकर आए हो? क्यों, तुम ही खाना जानती हो क्या? मैं अपनी माँ को नहीं खिलाऊं? और कितना खिलाओगे, फट जाएगी किसी दिन वो। क्या क्या बोला तुमने? पन्नी, इतना भर भर के लाओगे पन्नियां फट जाएगी। ओ हाँ, देखो ना वैसे भी यहाँ से इतनी देरी हो गई है, ये तुम अपने लिए पकड़ो, ठीक है, और मैं ये जा रहा हूँ माँ को देने के लिए। इसमें कम नहीं लग रहा आपको? है? बराबर है, वो थोड़ा सा ना पन्नी ऐसी इस वजह से, मैं जा रहा हूँ माँ के पास। अच्छा बराबर कितना है ना मुझे पता है, अरे एक तो वो घर में खाना नहीं देती और ऊपर से बाहर से कुछ आता है उसके लिए भी आता है। आज इनसे बात करके ही रहूंगी, मुझे इस घर में रहना ही नहीं है, मुझे रहना है तो सिर्फ अपने मायके। कितने दिन हो गए इनको कोई फोन ही नहीं आ रहा। एक वो मेरा बेटा है, कितना बदल गया है, उसे तो अपनी माँ की चिंता ही नहीं है, बस अपनी बहू की चिंता है, क्या करूं? अरे माँ, तू ऐसे कैसे बोल सकती है कि मुझे तेरी चिंता नहीं है? माना कि मैं नादान हूँ, लेकिन इतना भी नादान नहीं हूँ। देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। बेटा इसकी बहुत जरूरत है, और तुझे पता है आज ना मैं सीढ़ियां चढ़ के आ रही थी तो मेरी सांस ना फूलने लगी, लगता है बेटा मेरे को ना कमजोरी आ गई है, देख ले कितनी कितनी पतली सी नहीं लग रही हूँ आज, ये देखियो कमजोरी। हाँ लेकिन मेरी बीबी तो कह रही थी कि आपको ज्यादा ही। क्या ज्यादा बेटा? मेरे कहने का मतलब ये है कि माँ आप ना कुछ ज्यादा ही कमजोर हो गई हैं सच में। हाँ ओहो माँ, वैसे ना इसमें तेरे लिए एक नई साड़ी लेके आया हूँ। हाँ। इसके नीचे ना फ्रूट्स दबाए हुए हैं, तेरी बहू को नहीं पता चलना चाहिए। ओ, उसको नहीं पता लगना चाहिए। हाँ। मेरा वो लाल कितना अच्छा। अच्छा सुन, अंदर जाके खा ले माँ। ठीक है बेटा, इसकी बहुत जरूरत है बेटा, मैं बहुत कमजोर हूँ। हाँ, जा जा जा, तू भी मत बताइए उसे। नहीं मैं क्यों बताऊंगा, जा अंदर खाती है। सही कहती है मेरी बीबी, मेरी माँ तो खा खा के ना इतनी फैल गई है, कम से कम इस बहाने मेरी माँ खुश तो है, उन्हें कैसे बताऊं कि पापा का कॉल तो कम से कम एक महीने से नहीं आ रहा, और वो परेशान है ना, इस वजह से कॉल नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था बेटा ये बात तेरी माँ को नहीं पता चलनी चाहिए, अगर उसे पता चलेगा कि मैं यहाँ परेशान हूँ तो खामखाई वो चिंता करने लगेगी। चल कम से कम मेरी माँ के चेहरे पे एक खुशी तो देखने को मिली मुझे, अब मैं इसी तरीके से माँ को खुश रखूंगा। चलो स्टोर रूम में तो आ गई, काम करती हूँ यही खा लेती हूँ, और इसकी माँ की नजर भी नहीं पड़ेगी। चलो ये क्या है, ये माला, गजरा, और ये सब क्या लेकर आए हैं? अच्छा मैंने मंगाई थी खाने की चीजें, ये पता नहीं गजरा पजरा माला है। अभी बताता हूँ,
ए जी, अरे सुनते हो? अरे क्या हुआ भगवान, बोलो। मुझसे पूछ रहे हो क्या हुआ? क्या ये? अरे तुम इतनी गुस्सा क्यों हो रही हो? क्या है ये? क्या फ्रूट्स मंगाए थे ना तुमने, केले लाके दिए। ये देखो केले। कौन से केले हैं ये? कहाँ लगाओ इसे, कहाँ पहनो? ये माला है, ये तुम्हारे लिए है? ओ लगता है मैं किसी और की पन्नी उठा लाया हूँ। मैं वापस करके आता हूँ। वापस? वापस अब करने की जरूरत नहीं है। अब तुम मरोगे मेरे हाथों से, अब तुम मरोगे मेरे हाथ। अरे भगवान कैसी बातें कर रही, तुम माँ सुन लेगी ना तो ये कहेगी। तो सुनने दो, मुझे इस घर में अब एक पल भी नहीं रुकना है। मुझे आज ही जाना है और अभी जाना है। मुझे मेरे घर छोड़ के आओ। अरे भगवान कैसी बात, बहू की आवाज, कहीं बहू लड़ तो नहीं रही है? चल के देखते हैं। अरे मेरी भगवान। अरे बस करो, कितना चिल्ला रही हो। अरे मैं परेशान हो चुकी हूँ तुमसे और तुम्हारी माँ से। ना तो खाने देती है, ना चैन से उठने बैठने देती है मुझे। अरे गलती हो जाती है भगवान, हर इंसान से गलती होती है। तुम इस को पारा बना के हाई क्यों कर रही हो? क्या हुआ बेटा, लड़ क्यों रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बस ऐसे ही? बताओ अपनी माँ को। माँ ये तेरे तेरे बिहेव पे ना, मतलब जिस तरीके से तू बर्ताव करती है ना इसके साथ में, ये उस चीज को लेके बोल रही है। अरे मैं तुम्हारी पूरी माँ से ही परेशान हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये। मैं तो कहती हूँ या तुम मुझे मेरे घर भेज दो या फिर है ना इनका कहीं ना कहीं ठिकाना देख। बस बहुत हो गया तुम्हारा। जब देखो तो मेरी माँ को हमेशा देखो टॉर्चर करती रहती हो तुम, उल्टा सीधा जो भी तुम्हारे मुंह में आता है बस बक देती हो। बेटा शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। अरे माँ रोज रोज का ड्रामा हो गया। अरे बेटा ये चलता रहता है, तुझे पता है जब मैं बहू थी ना तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। अरे ये सीधे मुंह मेरे से बात नहीं करती, मैं तो इसकी दोस्त बन के रहना चाहती हूँ इसलिए इसे तंग करती हूँ, इसलिए इसे थोड़ा सा ना मैं चिचा चिचा के इसको बोलती रहती हूँ। अरे बेटा मेरी सास ने जो मेरे साथ किया ना, मैं नहीं चाहती कि इसके साथ भी वही हो, इसलिए मैं इसके साथ ऐसा बिहेव करती हूँ ताकि ये मुझसे बात करे और हम दोनों के बीच में नजदीकी आ जाए। देख लिया तुमने, देखो तुम्हारे बारे में माँ कितना अच्छा सोचती है, लेकिन तुम्हें तो बस एक ही चीज की पड़ी रहती है, इसको अपने घर से निकाल दो, इसे खाने को मत दो। अरे एक बात बताओ, तुम भी तो एक दिन माँ बनोगी और तुम्हारे मेरे बच्चे जब हम दोनों के साथ ऐसा करेंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? नहीं नहीं देखो मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो तुम्हें मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, मैं मम्मी जी को पहचान नहीं पाई। मम्मी माफ कर दो मुझे प्लीज मम्मी जी प्लीज। ठीक है, एक ही शर्त पे माफ करूंगी, तुझे तेरे पति को और अपने बेटे को। वो कैसे? क्या माँ? यही कि कल से ना मुझे कोई खाने के लिए नहीं टोकेगा। देखो ना मैं कितनी दुबली हो गई हूँ। आप भी ना कितना अच्छा मजाक करती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन को दबाएं